रिकॉर्डिंग डाले हैं जो मालती का है, वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो वो डिलीट कर दे, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो ना रखे, नहीं तो भाई आपका भी चैनल खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मालती जी का और विष्णु राज का जो मैटर चल रहा था, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो दोनों जन का समझौता हो गया है दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि समझौता हो गया दोनों। कम से कम तीन दिन से पूरा YouTube पे एकदम से कोई रिकॉर्डिंग लगा रहा है, तो कोई क्या बोल रहा है, तो कोई क्या बोल रहा है, मतलब अनाप शनाप लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ सच्चाई का पता नहीं, क्योंकि कोई वहां पर रहा नहीं है कि जिसे सच्चाई का पता चले। अब सच्चाई क्या है वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ ही जानेंगे, दूसरा कोई क्या जो सामने वाला बोलेगा वही हम सुनेंगे, लेकिन जो सच्चाई असली क्या है वो वही लोग जानेंगे। तो दोस्तों, कोई भी बात रहे उससे मतलब नहीं है, बस हमें इस बात की खुशी है कि आज कोर्ट में मतलब बुलाया गया था विष्णुराज जी को और मालती को, दोनों जन का आज प्रवेशी था कोर्ट में, और वहां पर आने के बाद में मतलब कि समझौता हो गया है। जो मालती जी का गलती था उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जो विष्णुराज की गलती दोनों ने एक्सेप्ट किया, एक दूसरे का गलती को लोग एक्सेप्ट करके और समझौता कर लिए, तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों वो लोग भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं उन दोनों के विषय में, उन दोनों के चक्कर गलती दोनों की है। मैं तो यही जानती हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो गलती तो दोनों की, बट एक छोटा बच्चा है उनके साथ में जो कि वो पिसा रहा है एकदम से। अगर छोटा बच्चा नहीं रहता ना, तो कुछ लोग कदम उठाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटा बच्चा है उसकी जिंदगी खराब हो रही है। और दोस्तों, मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों से दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग जो मालती के बाद का रिकॉर्डिंग था, बहुत से लोगों ने अपने चैनल पे उठा के पूरा डाल दिया है, तो ऐसा आप डाल रहे हो भाई, ऐसा किसी के मतलब कि किसी की चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डाले हो वीडियो और सब पूरी पब्लिक देख रही, पूरा सोशल मीडिया देख रहा है, और सोशल मीडिया आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा नेटवर्क होता है, तो सभी लोग सोशल मीडिया देख, कहीं ना कहीं मतलब आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी ना कहीं मालती सुनेगी तो उनको भी बहुत ही मतलब कि गलत लगेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी मतलब कि रिकॉर्डिंग डाले हैं जो मालती का है, वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो वो डिलीट कर दे, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो ना रखे, नहीं तो भाई आपका भी चैनल खतरे में पड़ सकता है, और बहुत लोगों का पड़ रहा है, और खास करके चैनल का तो बात ही छोड़ो, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं किसी की बहन बेटी का मतलब ऐसे एक इज्जत मतलब इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं पूरा सोशल मीडिया पर, तो ये अच्छी बात नहीं है ना दोस्तों। तो खैर कोई बात नहीं, और जो रही बात सोने का था, बताया जा रहा था जो उनका बिखा था वो बिखा विष्णुराज राहुल ने ले लिया, तो वो सबका बातचीत जो हो रहा है सब हो रहा है, और मालती जी का एक भी बिखा मतलब इधर उधर नहीं होगा, जो भी उनका बिखा था उनका सब कुछ उनको क्लियर मिल जाएगा। और मैं सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद गोरखपुरिया भौजी को करना चाहती हूँ, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ऐसी नारी है ना कि वो हर किसी का सपोर्ट करेंगी, भले से वो उनका दुश्मन क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, वो सबके सपोर्ट में रहेंगी। सच्चाई है तो वो सबके सपोर्ट में खड़ी रहेंगी, और कोई भी महिला जब एक बोला जाता है ना, जब किसी परेशानी में पड़ी है तो उनका फ़र्ज़ है कि उसका सपोर्ट करना, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें कि उनका वो सपोर्ट की हैं और दोनों परिवार को एक मिला दी हैं, तो मतलब ये दोनों की जो दुआ है कितना ज़्यादा गोरखपुरिया भौजी को मतलब मिलेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर दिवाली का त्यौहार आ रहा है और दोनों जन अपने घर पर यह त्यौहार को मनाएँ, अगर बताओ झगड़ा हुआ रहता, दोनों इधर उधर रहते हैं और फिर सोशल मीडिया पे यही सब चलता रहता, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है कि आज साल भर में एक त्यौहार आता है, खुशियाँ का दिन रहता है, सब अपने अपने घर में महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और ये दोनों जन आपस में यहाँ वहाँ रहें तो अच्छा नहीं लगता, तो अब बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम यही चाहते हैं कि विष्णु भाई जी को भी मतलब अब पहले की बात सब उभारना नहीं चाहिए उनको, जो भी हो गया ख़त्म हो गया, मामला यहीं पर सब कुछ ख़त्म करना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, और मालती जी आपको भी यही कहेंगे आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, और जो कुछ भी हुआ सब कुछ भुला भटका कि बच्चे का मुंह देखो और सब कुछ सही से रहो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।